ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और एस्ट्रोमित्रम बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रोमित्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों हम आपका दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा एक अनुरोध है कि इसके पहले हमने आपके लिए एक वीडियो प्रस्तुत किया है जिसका नाम है आज की महाभाग्यशाली राशियां। उसको आप अवश्य देखिएगा, उसमें आपको ये पता चलेगा कि 12 में से कौन कौन सी राशियां ऐसी है जो कि महाभाग्यशाली रहने वाली है। तो हम आपको 5 जून 2018 मंगलवार का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। इस दिन धनिष्ठा नामक नक्षत्र रहेगा और चंद्रमा कुंभ राशि में विद्यमान रहेंगे। तो मित्रों 12 राशि के लिए दिन कैसा रहने वाला है और 12 राशि वालों को क्या खास उपाय करना चाहिए, हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा, जिससे वो लोग प्रगति के मार्ग पर अग्रसर हो सकेंगे। तो मित्रों हम आपको बताते हैं कि मेष राशि वाले जो लोग हैं उनको जो है सेहत को लेकर के सावधानी बरतना होगी। हालांकि ऑफिस या कार्य क्षेत्र में आत्मविश्वास के दम पर सभी कामों में उनको फायदा मिलेगा। ज्यादा मेहनत से उनको अधिक फायदा भी मिलेगा, खुद के लिए समय निकाल सकेंगे। बिजनेस और नौकरी में आपका काम बहुत अच्छा होगा, आपके कार्यों की तारीफ होगी, सामाजिक समारोह में मान सम्मान आपको प्राप्त होगा, कोर्ट कचहरी के मामलों में आपका पक्ष मजबूत होगा। उपाय के रूप में आज आप यदि किसी भी मंदिर में हल्दी का दान करते हैं तो दिन आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आपका पैसा कहीं अटक भी सकता है, गुस्से या जल्दबाजी में अपने काम आप बिगाड़ सकते हैं। निवेश यदि करना चाह रहे हैं तो सोच समझ करके करें। अपनी योजना या रणनीति पर आपको भरोसा रखना होगा, सफलता आपको अवश्य मिलेगी, फायदा भी होगा। नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है, काम रुकेंगे नहीं चलते रहेंगे। पैसों के मामले आपके सुलझ सकते हैं और भविष्य के लिए कोई योजना भी आप बना सकते हैं। जो काम सामने आए उसमें आप पूरी ताकत लगा दें, इसके अच्छे नतीजे भी आपको अवश्य ही प्राप्त होंगे। फैसले लेने के लिए और योजनाओं पर काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है, दोस्तों के साथ समय व्यतीत होगा, ऑफिस और फील्ड में जूनियर्स का सहयोग आपको प्राप्त होगा। उपाय के रूप में हनुमान जी के मंदिर में यदि आप एक सिक्के के ऊपर सिंदूर लगा करके चलाते हैं तो दिन आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। किसी खास इंसान से आपको वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। जॉब और बिजनेस में पैसों के संबंधित रिस्क आपको ज्यादा नहीं लेना चाहिए, कोई जरूरी काम आपका रुक सकता है। कैरियर पैसे और इज्जत के लिए कोई व्यक्ति आपका बहुत खास हो सकता है, पैसों से जुड़ी परेशानी थोड़े समय के लिए रहेगी, चतुराई से आपके सभी काम पूरे हो जाएंगे, समझदार लोग आपका सम्मान करेंगे, दाम्पत्य जीवन में सुख मिलेगा, परिवार के साथ समय व्यतीत होगा। आज आपको नौकरी और बिजनेस में किस्मत का साथ मिलेगा, सोचे हुए काम आपको पूरे होने के लिए जो है कुछ मेहनत अधिक करना पड़ेगी, लेकिन उनमें आपको फायदा ही होगा। मेहनत और भाग दौड़ हो सकती है, आपके सामने कई तरह की जिम्मेदारियां भी आ सकती है, किसी खास व्यक्ति की अनदेखी करने से आपको नुकसान भी हो सकता है। उपाय के रूप में शक्कर का यदि आप जरूरतमंद व्यक्ति को दान करते हैं तो दिन आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। दिन आपका उतार चढ़ाव भरा साबित होगा, शारीरिक जोखिम न ले, कोई जरूरी फैसला यदि आप लेना चाह रहे हैं तो उसे बड़े ही सोच समझ करके आपको लेना चाहिए। थोड़ा बहुत तनाव रहेगा, किसी के साथ वैचारिक मतभेद या अनबन हो सकती है, खुद पर भावनात्मक कमजोरी हावी न होने दे, कोई जमीन जायदाद खरीदी की चर्चा भी हो सकती है। नौकरी और पैसे के मामले में आगे बढ़ने की कोशिश करें, नए मौके नए रोजगार की प्राप्ति आपको होने का योग बन रहा है। अपने मन के अनुसार चलने की कोशिश करेंगे तो आपके कई उलझे हुए मामले भी सुलझ सकते हैं, छोटे छोटे कदमों से आपको आगे बढ़ने के रास्ते मिलने लगेंगे, इससे आपको फायदा भी होगा। प्रेमी या जीवन साथी को आपके विचार थोड़े पसंद नहीं आएंगे, ऑफिस में मानसिक तनाव होगा, बेकार की बातों में समय खराब न करें। समय पर आप यदि काम पूर्ण कर लेते हैं तो आपके लिए जो है दिन अति उत्तम साबित होगा। उपाय के रूप में हरे मूंग यदि आप दान करते हैं तो दिन आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। पैसों के मामलों में कोई भी फैसला बिना सोचे समझे बिल्कुल न करें, जोश और होश के बीच में आपको संतुलन रखने की आवश्यकता रहेगी। आपके कामों में दूसरों की दखल अंदाजी हो सकती है, इससे आपका मूड ऑफ हो सकता है।
और कामकाज निपटाने का जुनून आपके अंदर रहेगा। पुराने विवाद भी शांति से निपट जाएंगे। आप महत्वपूर्ण लोगों के सामने अपने मन की बात रख सकते हैं। आत्मविश्वास आपका भरपूर रहेगा। आप समय के साथ चलेंगे। कुछ अच्छे अवसर भी आज आपको मिल सकते हैं, उनका फायदा आपको उठाना चाहिए। अपनी सेहत का ध्यान रखें। अपना काम शांति और चुपचाप तरीके से यदि आप करेंगे तो सफल भी हो जाएंगे। आपके व्यवहार की तारीफ होगी। आपके कुछ काम अधूरे रह सकते हैं। जरूरत से ज़्यादा खर्चा करने से आपको बचना होगा। कामकाज में मन नहीं लगेगा। सोचे हुए काम कुछ अधूरे रह जाएंगे। इसके कारण आपको चिंता भी रहेगी, लेकिन चिंता आप नहीं करें। आने वाले समय में ये सभी काम आपके पूरे हो सकते हैं। उपाय के रूप में शंकर जी के मंदिर में यदि आप सफ़ेद रंग का पुष्प चढ़ाते हैं तो दिन आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। सुस्ती, अनिश्चिंता या नकारात्मकता के कारण कुछ अच्छे अवसर आप गंवा सकते हैं। नियमित कामकाज में आपका मन थोड़ा कम लगेगा। नौकरी और बिजनेस में कुछ बदलाव करने का मूड आप बना सकते हैं। सकारात्मक रहे, दूसरों की मदद करने का भी प्रयास करें। कुछ नए लोग आपसे जुड़ सकते हैं जो आने वाले दिनों में आपकी मदद करेंगे। किसी भी परेशानी की जड़ तक जाने की कोशिश आप करेंगे। संतान और पढ़ाई के मामलों पर ध्यान देना आवश्यक होगा। महत्वपूर्ण लोगों से आपका संपर्क होगा। मानसिक या शारीरिक सुस्ती आपको महसूस होगी। कोई आपको ठगने की कोशिश कर सकता है, उससे आप बचकर रहे। दुश्मनों से सावधान रहे। सही और गलत फैसले में आपकी उलझनें बढ़ सकती है। फालतू कामों में आपका समय भी खराब हो सकता है। आज आपको भगवान राम जी के मंदिर में जा करके गेहूं या आटे का दान करना अति उत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बिल्कुल न करें। जीवन साथी या प्रेमी को नाराज बिल्कुल न करें। फालतू कामों में आपका समय खराब हो सकता है। काम पर ध्यान दे और उन बातों पर ध्यान दे जिनके बारे में पहले से आपने सोच करके रखा है। घर से चलने वाले बिजनेस में आपको फायदा हो सकता है। घर मकान में किए गए निवेश से भी आपको लाभ होगा। पारिवारिक इनकम आपकी बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र का कोई एक चलता काम आपको सफलतापूर्वक जो है संपन्न हो जाएगा। किसी नए काम की योजना बन सकती है जिससे आपको फायदा होगा। दूसरों के लिए आपको त्याग करना पड़ सकता है। आपकी मेहनत का पुरस्कार भी आपको मिलेगा। आपके कार्यों को सराहा जाएगा। मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। रोजमर्रा के कामों से फायदा होने का योग बन रहा है। रुके हुए काम समय पर पूरे हो सकते हैं। पार्टनर का सहयोग मिलेगा और उनसे धन लाभ भी होगा। उपाय के रूप में आज यदि आप किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को दही का दान करते हैं तो दिन आपके लिए अति उत्तम साबित होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। आपको हर काम सावधानी पूर्वक करना चाहिए। कानूनी कामों में कोई बदलाव न करें। रुकावटों और मुसीबतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रगति में कोई कानूनी, तकनीकी या राजनीतिक अड़चन आ सकती है। इससे आपके कामकाज में रुकावट आ सकती है। ऑफिस में बकाया काम निपटाने का मन आपका बन सकता है। आपको अपना नजरिया व्यावहारिक रखना होगा। आज आप विवाद से बच करके रहे। परिवार के कामकाज पर धन और समय आपका खर्चा होगा। परिवार में सकारात्मकता बढ़ाने के लिए आप कदम भी उठा सकते हैं। माता से आपको मदद और प्रेम मिलेगा। सभी से आपको सहयोग मिलेगा। पैसों के मामलों में किसी से अनबन, वैचारिक मतभेद या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और उपाय के रूप में आज आप अपने घर से निकलने से पहले एक लौंग खा करके जरूर निकले। इससे दिन आपका अत्यंत शुभ व्यतीत होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। आज आप किसी भी बहस में बिल्कुल न उलझे। किसी से भी विवाद बिल्कुल न करें। दूसरों की भावनाओं को समझने का प्रयास करें। बहुत सारी जिम्मेदारियों में आप व्यस्त रह सकते हैं। दिनचर्या में कुछ बदलाव भी आपको करना पड़ सकता है। सामने वाले की जो है स्थितियों को आपको भांप कर ही आपके काम करना होगा। और जरूरी काम आपको सबसे पहले करना चाहिए। परिवार की ओर से कोई ना कोई नया काम आपको दिया जा सकता है। पार्टनर को ज़्यादा समय आप देंगे और प्रेम के क्षेत्र में आप ज़्यादा संवेदनशील हो सकते हैं। भावुक भी हो सकते हैं। सेहत का पूरा ध्यान रखें। मौसम की बीमारी आपको परेशान कर सकती है। और उपाय के रूप में आज आप किसी भी पेड़ में यदि पानी डालते हैं तो दिन आपका अत्यंत शुभ व्यतीत होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। लोगों की अनदेखी करने से आपको बचना होगा। समय की कमी के कारण आप परेशान हो सकते हैं और अकेलेपन के कारण भी थोड़ी परेशानी होगी। इसलिए अपना समय परिवारजनों या मित्रों के साथ व्यतीत करने का प्रयास करें।
पैसे कमाने के दूसरे तरीके भी आपके दिमाग में रहेंगे। आपका पूरा ध्यान पैसों और घरेलू मामलों को सुलझाने पर रहेगा। कोई आपकी मदद करने के लिए अचानक आ सकता है। ऑफिस के सोचे हुए काम समय पर पूरे हो जाएंगे। अधिकारी वर्ग आपकी तारीफ करेंगे। नई नौकरी की आपको जो है चिंता रहेगी और उसको खोजने में आपका समय व्यतीत होगा। खरीदारी होगी, नए कपड़े या नया सामान भी आप खरीद सकते हैं। घर के जरूरी सामान की खरीदारी आप कर सकते हैं। ज्यादातर समय आपका घर से बाहर ही व्यतीत होगा। और उपाय के रूप में पानी में कच्चा दूध डालना आपके लिए अत्यंत शुभ व्यतीत होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। किसी महत्वपूर्ण मामले पर आपकी राय लोगों को फायदेमंद साबित होगी। मन पर कंट्रोल रखने की कोशिश आपको करना चाहिए। मन चाहे काम पूरे करने में मेहनत ज्यादा होगी, सफलता भी मिलेगी। सोचे हुए काम समय पर पूरे हो जाएंगे। सेहत से जुड़ी कोई समस्या आपको हो सकती है। आपकी कोई इच्छा किसी विवाद की वजह भी बन सकती है। सावधान रहे, पैसों को लेकर के किसी से अनबन हो सकती है। कैरियर में नए मौके आपको मिलेंगे। आर्थिक स्थिति में बदलाव होने की संभावना है। निवेश को लेकर के कोई भी काम आप यदि करने जा रहे हैं तो वह कार्य आपके पक्ष में रहेगा। किसी खास व्यक्ति से आपकी बात जो है रखेंगे तो वह आपकी मदद भी करेंगे। दोस्तों के साथ समय व्यतीत होगा। पार्टनर के साथ कहीं घूमने जाने का आपका मन भी बना सकते हैं। उपाय के रूप में किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को यदि आप तेल का दान करते हैं तो दिन आपके लिए अत्यंत शुभ व्यतीत होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। कोई ऐसी बात आप अपने अंदर ही छिपा करके रखे जो आपके लिए जो है नुकसानदायक सिद्ध हो सकती है। आपको दूर स्थान के लोगों से सहयोग मिलेगा। दोस्तों और रिश्तेदारों से भी मदद मिलेगी। आज आप जो है पुराने दोस्त से मुलाकात करने के लिए आतुर रहेंगे। सुख दुख की बातें भी होगी। दोस्त कोई अच्छी योजना भी आपके लिए बना सकते हैं। आप अपने दोस्त की योजना से सहमत हो जाएंगे। खर्च और इनकम में बैलेंस बनाने की कोशिश भी आप कर सकते हैं। किसी की मदद में समय और पैसा भी आपका खर्च हो सकता है। आत्मविश्वास अधिक रहेगा। ध्यान रखें किसी खास व्यक्ति से आप जो है किसी भी प्रकार का विवाद बिल्कुल न करें। आपके मन में कुछ सवाल चलते जाएंगे और उनका समाधान भी आपको शायद ही मिल पाएगा। और उपाय के रूप में आज यदि आप गुड़ खा करके घर से निकलते हैं तो दिन आपके लिए अत्यंत शुभ व्यतीत होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल हमने आपको बताया है। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।